से प्रेफर्ड तो नहीं है आई थिंक इस पॉडकास्ट, बट द थिंग दैट वी गोना टॉक अबाउट टुडे इज वन ऑफ द मेजर बैटल्स इन हिस्ट्री, द बैटल ऑफ रेजांगला. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस टुडे और पॉडकास्ट विद द अर्बन यूथ क्लब में आपका स्वागत है. बेस्ट सेलिंग ऑथर, कमांडेंट इन द इंडियन डिफेंस, एंड ही इज नाउ अ मूवी मेकर, an actor, a director, producer, you know, all the hats under one belt, Mr. Gurpreet Yadav. Thanks for inviting me. It's a pleasure. So, what's the deal? Tell me, thoda sa extract de apni book ke baare mein, the Battle of Rezangla, you know, tell me a little. Battle of Rezangla is my new book. It has been published just on 20th of this month, so just 2 days ago. Congratulations, the bestseller. It's already a bestseller. It's already a bestseller. 62 was a proper war which India and China fought at multiple locations. Mainly in the Ladakh sector, in the northwest or the northern part of India, and in Nefa, which is now called Arunachal Pradesh, and the Tawang area of that particularly, but the entire Nefa. So, बहुत ही एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में, as an Indian, हम सबको ये बात कहते हुए दर्द होता है कि हम लोग उस लड़ाई को बहुत पूरी तरह से हारे थे. और वो हमारे लिए एज अ यंग नेशन इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन थी, हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे पर्सनल यू नो सबके ईगोस के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए एज इंडियंस. और उस लड़ाई को हम भुला देना चाहते थे, तो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे स्कॉलर्स हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, उस लड़ाई के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं की गई. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि इस लड़ाई से हम कुछ सीख के आगे अपनी आर्म फोर्सेस में चेंज करें, तो आगे सिचुएशन बदल गई. एनीवे, लेट अस रिमेन फोकस्ड ऑन 1962. क्योंकि हम इस लड़ाई को भुला देना चाहते थे, तो इसमें एक तो जो छोटे छोटे अच्छे स्पार्क्स हुए थे, जहां पे हमने बहुत अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी थी, वो भी हमने साथ में भुला दिया. उसमें से एक था बैटल ऑफ रेजांगला. रेजांगला एक 18,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पे लद्दाख में एक पास है, और वहां पे 18 नवंबर को जब चाइना ने अटैक किया तो टेम्परेचर -24 डिग्री सेंटीग्रेड था. हम लोग केवल 120 लोग थे और 5,000 चाइनीज सामने से आ गए. उनके पास बेटर वेपन्स थे, वो लोग बेटर ट्रेन्ड थे, उनके पास में ज्यादा एम्युनिशन था, उनके पास में आर्टिलरी थी, यहां तक कि जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे कोट पार्का, वो भी हमारे से बेहतरीन क्वालिटी का. हम 120, एम्युनिशन भी लिमिटेड, आर्टिलरी का सपोर्ट नहीं, खाने पीने की भी प्रॉब्लम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वीक, हमारे पास हर तरह की प्रॉब्लम थी. और ये प्रॉब्लम ब्रिगेड में एंटिसिपेट की हुई थी कि चाइना जब हमारे पे अटैक करेगा 18 नवंबर के आसपास, तो मैसेज आया हुआ था मेजर शैतान सिंह इस चाली कंपनी के, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे तैनात थी, उसके हीरो ऑफ अ स्टोरी, उनके पास मैसेज आया था कि आप, क्योंकि इतने ज्यादा चाइनीज इकट्ठे हो गए, आप लड़े, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके एम्युनिशन खत्म हो गए और अब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो इट इज बेटर दैट यू फॉल बैक. नो पॉइंट ऑफ जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ लाइक दैट, यू नो, बिकॉज इन आर्मी दिस इज अलाउड, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड रिट्रीट. लेकिन शैतान सिंह जो थे, मेजर शैतान सिंह, वो एक बहुत ही दिलेर, बहुत ही इंक्लूसिव ऑफिसर थे, जो अपने ट्रूप्स के बहुत नजदीक रहते थे. मतलब ही वॉज अ गुड लीडर एंड ऑल्सो अ गुड टीम प्लेयर, यू नो, उन्होंने बहुत मोटिवेट करके रखा हुआ था. तो उन्होंने बोला कि मैं इसका डिसीजन अकेले नहीं लूंगा वापस आने का, लेट मी आस्क माय जवान. उसने तीन जो प्लेटून कमांडर्स थे, हर प्लेटून में 35 से 40 लोग जवान हैं, सो प्लेटून कमांडर्स आल्सो वेरी रिस्पांसिबल, एंड दिस एरिया इज अबाउट 3 to 4 किलोमीटर लॉन्ग, सो कंपनी कमांडर इज नॉट एबल टू सी द एंटायर एरिया एट वन पॉइंट फ्रॉम वन पोजीशन, सो ही हैज टू डिपेंड ऑन दीज एक्सपीरियंस्ड प्लेटून कमांडर्स आल्सो. एंड द नेम्स वर नायब सूबेदार सूरजाराम, नायब सूबेदार हरिराम, एंड नायब सूबेदार रामचंद्र. They were in their late 30s, just like Major Shaitan Singh. He called them and he said, "Bhai, Brigadier Saab bol rahe hain ki ladai agar hum acche se na lad paaye, hamara ammunition khatam ho jayega, to humko Rezangla wapas chhod dena chahiye." To unhone bola, "Sir, hum to wapas nahi chhodenge, lekin agar aapki izazat ho to hum apne jawanon se puchna chahte hain." To usne bola, "Bilkul, bilkul puchiye." So they went and asked the jawans ki, "Bhai, kya karna chahte ho?" To jawanon ne bola, "Ye Bharat Mata ki zameen hai. इससे हम एक इंच पीछे नहीं जाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए. वी विल फाइट टिल लास्ट मैन, लास्ट बुलेट." और ये जो स्टैंड था, ये एक
आर्मी के स्टैंडर्ड से भी बहुत ही दिल दहलाने वाला स्टैंड था। इतनी जबरदस्त यूनिटी, ऐसी लीडरशिप, ऐसी कोहेशन और इतनी ज्यादा देशभक्ति किसी भी ट्रूप्स में होना एक बहुत बहुत बड़ी चीज है। इनफैक्ट बैटल ऑफ रिजांगला को पूरे दुनिया में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जवानों ने ये वाला स्टैंड लिया था। और एक्चुअली में ऐसा ही हुआ, 7 घंटे लड़ाई चली, 7 बार अटैक हुआ चाइना ने किया। आप किताब पढ़ेंगे तो देखेंगे मैंने एक एक वेव जो उन्होंने की है उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है कि कैसे वो लोग उन्होंने क्या क्या चालाकियां की। उन्होंने ऐसे आराम से अटैक नहीं किया, कभी वो याक्स लेकर आ रहे हैं, कभी याक्स पे लालटेन लगा के लेकर आ रहे हैं बिकॉज रात का टाइम है। जितने ड्रामे हो सकते हैं, जितनी ट्रिकरी हो सकती है, जितनी चालाकियां हो सकती है जो वॉर में की जाती है, वैसे चाइना तो नोन है इन सब चीजों के लिए, लेकिन ये जवान वहां से अपनी जगह से हिले नहीं और लड़ते 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 शहीद हो गए। और चाइना भी लड़ते लड़ते इतने ज्यादा आदमी उसने खो दिए कि उन्होंने फिर फाइनली फैसला किया कि भाई यहां से हमको वापस जाना पड़ेगा। कहते हैं, इसका मैं प्रूफ ढूंढ नहीं पाया हूं, बट बहुत जगह लिखा हुआ है कि पीकिंग रेडियो ने उस समय पीकिंग बोलते थे बीजिंग को, अनाउंसमेंट की थी कि रिजांगला में हमारा सबसे ज्यादा हमारे ट्रूप्स का नुकसान हुआ पूरे इंडिया में, जितना हमारी बाकी पूरे इंडिया में नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा केवल रिजांगला पोस्ट में हुआ है। वेल, मेरे को तो गूज़बम्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट ये स्टोरी सुनते सुनते। एंड एक वॉर नेफा में भी लड़ी जा रही थी विच वी लॉस्ट एंड विच वी वर रियली अशेम्ड फॉर एंड आर स्टिल अशेम्ड फॉर एंड it has consequences till 2021 that we are existing in right now. So tell me a little bit about the Nefa frontier. What happened over there? So Nefa frontier mein hamare ko zyada nuksan hua tha, and but there also there was a bright spark, and that was at a place on the eastern periphery of Nefa, which is now called Arunachal, place called Wolong, where once again the Indian Army had fought a very good battle, though we lost, but then we fought very well. The major debacle was at Namkachu Valley. There was a brigade which was commanded by Brigadier John Dalby. He was a very respected, admired and well-decorated officer. He was specially sent for this task. And we were expecting, the Indian government was expecting that he'll be able to hold on the China's army. But he was repeatedly, even before the war, sending messages that we don't have roads, we don't have infrastructure, we don't have porters, we don't have ponies. It is just not possible for us to reach the place where you're asking us to reach and to defend it. And that to Namkachu, which is at a much, much lower altitude. But somehow, the environment in the Ministry of Defense, as I gathered by reading multiple accounts, including the people who were against Brigadier Dalvi, even in their memoirs, it clearly emerged that that was, the information and the feedback that Brigadier Dalvi was giving, that fell on deaf ears. And I think we paid a very heavy price. Puri brigade khatam ho gayi. Brigadier saab ko China wale log bandhi bana ke le gaye. 6 months Brigadier John Dalvi was in jail as a prisoner of war. You can imagine how humiliating that must have been. And when he came back, he wrote a book called The Himalayan Blunder. The Himalayan Blunder is a book which every Indian should read, according to me. In that, he clearly wrote what happened, how it happened, and why he is not responsible. And indeed, he is not. I mean, if you give a man a task which you also know he cannot complete, and he is definitely aware that he cannot complete, then it is definitely not his. One of the major things that I realized, जो हमने 1962 का वॉर हारा था, वाज दैट एयर फोर्स एंड नेवी वर नॉट रियली अलाउड टू गेट डिप्लॉयड इन द रीजन। वी कुड हैव कट द सप्लाई लाइन फ्रॉम इंडियन ओशन एंड द साउथ चाइना सी, वी कुड हैव कट बोथ रीजंस। बट व्हाट आई हैव रेड एंड आई बिलीव इज द फैक्ट दैट द एयर फोर्स वाज आल्सो in more or less a similar situation like Indian Army, with old aircrafts, less training, and they were not really allowed to operate in those hilly terrain. Okay. And some of the senior officers of Air Force that I've interacted with, of course, have read their accounts. They say that had they been allowed, they would not have been able to do a major damage to the PLA's because of the altitude. Forces. Because of the altitude, because of lack of training, because of lack of communication equipment, lack of radio equipment,
which means the same thing, but lack of radar, lack of a lot of stuff. I think, but again, as I said, this is open to debate. Some people say that it would have made a difference, but I think it probably would not have made any difference because the whole nation, the whole armed forces was not mentally prepared to go for war. Yeah. So if army was not able to do anything, then we cannot start thinking that army nahi kar paayi lekin air force kar legi. It would be similar situation with the 19-20 ka parak. You know, in the hindsight, when there's a government, there's always an intelligence involved, a lot of forces involved. And was the government so ignorant, you know, that they could not read the major signs? And Jawahar was in Nepal. Mr. Krishnamenon was in New York the time this war happened. And they declared war from Nepal that, yeah, our guys are going to fight over there and they're going to beat the Chinese folks. Short answer about intelligence. I can tell you that was intelligence organization of India at that time, IB, were they not aware that China was preparing to attack India? The short answer is yes, they were not aware. What were the reasons for it? So, intelligence of IB was headed by a gentleman called as Bhola Nath Mulik. He was the IB head for a very long time, probably from 47, 48 till 1962. And he was running this organization with the resources that he had. And he was under the impression that he's got a full grip over the situation and he knows what is happening. But clearly, the Chinese were able to hoodwink him and all his sources and silently build up. So it was a failure on his part. He's written an excellent account of from his side, his memoir, which is available, which I read. It's a long book, about 300 odd pages. And when I read that book, I realized that he comes across, Mr. Mulik comes across as a very educated, informed, reliable man who had limited resources, but he was trying to do the best that he could at that time. But as I told you in the beginning, before we started doing this interview, that the mood of the nation at that time was very different. Mm. You see, the government of India had to choose between alleviating the people out of poverty, building bridges, building dams, you know, putting our house in order after the British have left in such a deplorable state. Gareeb country tha hamara. To garibi pehle hatai jaye kya military pehle expand ki jaye, modernize ki jaye. So us samay जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने सोचा कि भाई लड़ाई तो दोबारा होगी नहीं, और उसके भी रीजंस थे क्योंकि 1945 में वर्ल्ड वॉर फिनिश हुई थी, लोग लड़ाई झगड़े से तंग आ चुके थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि लड़ाई नहीं होगी। और चाइना जब भी कुछ छोटा मोटा, यू नो, बिफोर 62 इट स्टार्टेड फ्रॉम 1959-60 माइनर, यू नो, स्कर्मिशेस बिटवीन इंडियन एंड देयर ट्रूप्स वर हैपनिंग। सो Prime Minister, till the date when these people attacked on 20th October, Chinese PLA, he was under the impression that all this is going to remain only localized. Because the boundary line was not demarcated. Jab do deshon ke beech ki, jaise do kheton ke beech ki boundary line decided nahi hai. To agar aap boundary ke paas khade ho, to wo dusra bhi bol sakta, aapka ek paw mere land mein hai. Aap bol sakte, tera ye wala paw mere. And then there can be a fight, right? So, unhone apne hisab se line bana rakhi thi. हमने अपने हिसाब से लाइन बना रखी थी okay. तो बीच में जो ओवरलैप वाले एरिया में हमको वो मिल जाते थे, हम बोलते थे तुम्हारी जगह आ गए, उनको वो बोलते थे तुम्हारी जगह आ गए। इस बीच में एक मेजर फॉल्ट और जो मिस्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, वो पीएम ने एक मीटिंग हेड की थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंड लेते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं जहां जहां पे ये लोग नहीं है और जो ये लोग अपनी लैंड बोलते हैं बट वो हमारी लैंड है हमारे हिसाब से, हम वहां वहां पे मैक्सिमम आगे जाके हम अपनी पोस्ट बना देते हैं। और इसको फॉरवर्ड पॉलिसी बोला गया, और इसमें लद्दाख में ही 2 साल में 36 पोस्ट बना दी, और सम ऑड 40-50 आई डोंट नो हाउ मच, आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट नेफा में भी हमने इतनी सारी पोस्ट बना दी। और उस वजह से क्या हुआ कि जो अब चाइना को बहुत एग्रेसिव थ्रेट लगा, बिकॉज वो बार बार बोल रहे थे कि आप बॉर्डर सॉल्व करो हमारे साथ, क्योंकि उसी दौरान उन्होंने अपना बॉर्डर प्रॉब्लम बर्मा के साथ सॉल्व किया था, नेपाल के साथ सॉल्व किया था, दे डन बायलेटरल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया था, बट वी सॉ ऑल दिस तिब्बत के साथ भी किया। हां तिब्बत तो खैर दे इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दे जस्ट टुक इट ओवर। हां दे जस्ट टुक इट ओवर। सो दीस थ्री कंट्रीज, इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन पॉलिसी थिंकर्स थॉट दैट दिस ऑल हैज बीन डन बाय चाइना सो दैट दे कम दे कैन सेंड अ मैसेज टू द वर्ल्ड दैट दे वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज़ दे सॉल्व विद अदर कंट्रीज आल्सो बट इंडिया डज नॉट वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम राइट। सो वी डिड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन अस एंड चाइना, बट यू सी
it is the Indo-China border is the most complicated border issue in the whole world. I also tried my level best to understand. I think I probably understand 90% of it. Books and books written about it. It becomes complicated because it is not Indo-China border. It is actually Indo-Tibet border. And in Indo-Tibet border, a lot of things were customary between India and Tibet. And when China, you know, occupied Tibet, or they now their argument is that Tibet has always been a part of China. And there is a reason for that also, because whenever Tibet got threatened by the Mongolian forces, so it always used to take help from the Chinese emperor to ward off these people. You know, so the China thinks that because he used to take help from us, hamari bahut help karti thi, so hamara part hai. You know, it's they are under our suzerainty. Right. So wo ye itna complicated hai ki beech mein kaun independent tha, kaun nahi tha, kaise tha. To us wajah se hamara aur Tibet ka koi clear cut border tha nahi. Right. Ab China ne usko occupy kar liya. Ab China usko apne hisab se dekhta hai. Tibet ke documents alag hai, hamare documents alag hai. So it has become complicated. Well, but आपकी बुक का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मेरे को ये लगा, यू नो, जिस कंडीशंस में उन 120 फौजियों ने लड़ाई की ना, दे वर वेयरिंग कैनवस शूज एट -25 डिग्रीज, आर्मी कैप्स, यू नो, और मे बी स्टील हेलमेट और समथिंग लाइक दैट, कोई कवरिंग नहीं है, विद अ नॉर्मल यूनिफॉर्म, मे बी अ जैकेट और समथिंग लाइक दैट, उस तरह से. एंड इट वॉज अ कंडीशन जो आप दिल्ली की सर्दी में मैनेज करने के लिए जिस तरह के कपड़े पहनते हो, यू नो, यू वुड इवन हैव अ डिफिकल्ट टाइम इन दिल्ली. Anish, so I would like to correct you about the canvas shoes part. So what happened was they actually arrived there on 26th of October. So when they arrived in the Zangla, the temperature was around freezing, and they had their olive green jerseys and their personal sweaters. The bedding came one day later. Once they had bedding, so they had their personal stuff which they wore. And within a few days, for some of the people who not having coat parka, it was low quality, but they did get coat parka. And they were able to dig the trenches in about a week, 10 days time. And once you dig a trench, then you can put your kerosene stub in that, and, you know, and you can raise the temperature. There was one bunker which was ready, which was being used by CRPF, which they had given it to us. So that could sleep about 10, 12 people, which was ready and warm. So the situation, you know, there's a lot of mixing up of facts and figures that has happened. Right. On the social media, because this kind of a situation was more prevalent in Nefa. Mm-hmm. Because when Nefa, you know, people were pushed to go there, they were wearing canvas shoes and they were wearing summer uniform, because they were probably picked up from where, Agra, I think they were picked up from Agra in an aircraft, and it was September still when they were sent, and the uniform had not changed in Agra, so they were in the summer uniform, and they were suddenly taken to Nefa, and they were asked to climb some mountains and go there, and then there it was very cold. So that was in Nefa, but even there the temperature at that time was not that cold. Anyway, the point is not that. I'll tell you some very interesting aspect which nobody talks about. So since we were not prepared and our uniform was in bad shape, so jo haath mein gloves pehante hain, so sardi mein to gloves pehante, so everybody had gloves, right? But wo gloves itne ghatiya quality ke the aur utne mote the ki ungli ke upar wo itna mota hai ki wo ungli aapke trigger mein ghusti nahi. फाइनली आपको यू नो बंदूक चलाने के तो ट्रिगर में उंगली घुसानी पड़ेगी ना, तो ट्रिगर में आपकी उंगली नहीं घुसती बिकॉज ऑफ ग्लव, तो आप क्या करोगे गोली चलाने के लिए, यू विल रिमूव द ग्लव. नाउ इन -24 डिग्रीज, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ट्रिगर गार्ड इज मेड ऑफ मेटल, ट्रिगर ऑल्सो इज मेड ऑफ मेटल. इन -24, इफ योर स्किन टचेस टू मेटल, इट गेट्स फ्यूज्ड, वो चिपक जाता है उसमें. तो इनके सबके उंगलियां परमानेंट चिपक गई थी, और जब इनकी बॉडीज भी तीन महीने बाद जब हमने फेब्रुवरी में कलेक्ट की, तो सबकी फिंगर्स हैड फ्यूज्ड विद देयर वेपन्स, सबके फिंगर्स काट के वेपन्स हटाए थे, और तब उनको ग्रेनेड किया गया था. ये ज्यादा दर्दनाक सिचुएशन है. एक और सिचुएशन दर्दनाक ये है कि आपके पास, चलो ठीक है, आप गोली चला रहे हो, सामने दुश्मन आ रहा, आप चला रहे हो, आपने ठान लिया कि मैंने तो मरना है, मैं अपने देश के लिए आज मर जाऊंगा, आप गोली चला रहे हो, और मतलब पूरा करेज, और आप जो 13 कुमाओं में सारे अहीर नौजवान थे, इनका जो बैटल क्राई है दादा किशन की जय, वो आप चिल्ला रहे हो, पूरा जोश है, लड़ रहे हो, और लास्ट में आपकी गोली खत्म हो गई. अब वो चाइनीज फिर भी सामने से आ रहे हैं, तो फिर वॉर में क्या किया जाता है, आपके गन के आगे में एक बेनेट लगता है, जैसे वो चक्कू जैसा बोलते हैं, वो बेनेट आगे से शार्प होता है. right. तो आप बाहर निकल के बेनेट स्ट्राइक करते हो. आप सोचो, जो बंदा गोली चलाते हुए आ रहा है, आप उसको बेनेट से मारने के लिए जा रहे हो, तो पहली बात तो वो कितना अपने आप में कितना
करेजियस एक्ट है। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि जो वो गोली चला रहे हैं तो जो बेनेट स्ट्राइक कर रहे हैं तो आधे तो चाइनीज फोर्सेस तक पहुंचने से पहले ही मर जा रहे हैं, क्योंकि चाइनीज भी आपके सामने तक आ चुके हैं तभी आप बेनेट स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन जो अटैक कर भी पा रहे हैं बेनेट से, तो वो उनका जो कोर्ट पार्क है की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है, और हमारा जो बेनेट है वो इतना ज्यादा ब्लंट है, मतलब हमारा चक्कू भी शार्प नहीं था। लोग गोलियों की बात करते हैं, मतलब चक्कू तक शार्प नहीं था, वो किसी के कपड़े में घुस ही नहीं पा रहा है। उसमें देयर वाज एन हीरो हु गॉट वीर चक्र कॉल्ड सिंगरा, ही वाज अ टॉल गाय, आई वेंट टू हिज विलेज ऑल्सो इन हरियाणा एंड मेट हिज ब्रदर एंड मेट हिज रिलेटिव्स, उनकी फोटो वगैरह वहां पे भी देखी मैंने। उसने क्या किया, वो दो दो तीन तीन चाइनीज लोगों को उठा उठा के, लाइक 6 फीट प्लस गाय, ही इज बैंगिंग देयर हेड्स and trying to, you know, kill them that way. Yeah. So the courage was of that order. And jab Singram expire hua, to wo Chinese forces ke kafi aage jaake expire hua. Kyunki wo usne faisla kiya, usne aur ek dusre ek tha, dusra ek aur nayak tha. In dono ne aapas mein faisla kiya ki hum jo MMG hai, MMG karke ek weapon hota hai energy se badhiya, wo hamare pe attack kar raha hai. This other chap's name was Gulab Singh. So, गुलाब सिंह और सिंगराम ने फैसला किया, अपने प्लेटून कमांडर को बोला, प्लेटून कमांडर का नाम था नायब सूबेदार सूजा, कि साहब जब तक वो एमएमजी चलाता रहेगा ना, एमएमजी से क्या होता है कि वो आपकी रेंज से बाहर है, आपके वेपन की रेंज से बाहर है, लेकिन आप उसके वेपन की रेंज में हो, अब आप क्या कर सकते हो, आप गोली चलाओगे गोली उस तक पहुंच नहीं रही, उसकी गोली आप तक पहुंच रही है, तो वो तो सारा टाइम बैठा रहेगा, जैसे ही बाहर निकलोगे वो मार देगा। तो इन्होंने बोला कि सर एक ही तरीका है, हम लोग इसकी इसको जाके न्यूट्रलाइज करते हैं। उसने बोला तुम न्यूट्रलाइज कैसे करोगे उस वेपन को, तो ये लोग पीछे से गए एंड लास्ट में उनको 70 मीटर डायरेक्ट भागना था टुवर्ड्स एमजी, और ये भागे, और गुलाब सिंह शायद 15 या 20 मीटर पहले ही गॉट शॉट डाउन बिकॉज पूरे चाइनीज खड़े हुए थे वहां पे, एंड सिंगराम जंप्ड इन द एयर टू कैप्चर द एमएमजी। लुक एट द करेज, बोलते समय रॉन्ग पे खड़े हो, और पीछे से इंडियन वाले सारे देख रहे हैं सिंगराम, और फिर सिंगराम उनके वेपन के ऊपर गिर गया और काफी देर तक हिला नहीं। तो यहां से इनको लगा कि उसने वो वेपन पे गिर गया लेकिन मर गया। खैर जब 3 महीने बाद जब बॉडी मिली तब तक वो चले गए थे, तो वो एक्चुअली 5 फुट पहले उसने जंप किया था तो वहीं वो एक्सपायर हो गया था। सो ही वॉज 5 फीट अवे फ्रॉम द वेपन, बट लुक एट द करेज। एंड चाइना ने क्या किया, चाइना ने उसके ऊपर बंदूक उसके बगल में उल्टी गाड़ के उसकी टोपी उस पे लगा के चाइनीज में लिख कर गए, दिस इज एन इंडियन हीरो। तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इस बात को, तो वॉर में आपस में भी रिकॉग्नाइज करते हैं। राइट राइट राइट। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता विद द एटीट्यूड ऑफ चाइनीज आर्मी दैट दे वुड हैव दिस काइंड ऑफ यू नो। नहीं, मेरा अपना मानना ऐसा नहीं है। थिंग इज सी एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी इज ह्यूमन बीइंग। आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी जिसमें ब्रदर्स भी बिछड़ जाते हैं, दे बिकम एनिमीज एंड फाइट फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। जब कोई एक्ट ऑफ ब्रेवरी होता है, आफ्टर ऑल यू आर अ सोल्जर एंड यू आर सपोज्ड टू बी ब्रेव एंड यू रिकॉग्नाइज ब्रेवरी इन योर कंट्रीमैन, सो व्हेन यू सी एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो, जनरली मोस्ट पीपल, मोस्ट अपराइट आर्मी पीपल, विच एवर आर्मी दे माइट बिलोंग टू, विच एवर डिफेंस फोर्सेस, दे विल respect and admire it. Even पुराने ज़माने में राजाओं के time में भी ये होता था कि वो recognize करते हैं। Absolutely. Bravery is always recognized even by the enemy. True, true. But alongside bravery, what was the emotional toll that this book took on you? For 2 years, आपने ढूंढा है, इस किताब पे research किया है, you have traveled across India to find the truth behind this book. Yeah, so what are the main reasons people have been asking me? Since you are in defense already, so you have an emotional connect with the individuals. Yeah, and आपने खुद भी skirmishes में आप involved रहे होंगे, so ये थोड़ा सा ज़्यादा relatable है in terms of a defense individual like yourself. So it would have a, you know, an outbreak of emotion for you. So yeah, how was it? It was hard. In fact, people have been asking me why did I write this book? Because this is my 14th book. Prior to this, I've written only espionage and crime and romance and short stories. So people have been asking me, reaching out to me and asking this question that why did you write a military book? That too, not on the Navy and Coast Guard where I worked as a commander. So not on these organizations, but why did you write on the Army? Yeah. And my answer to this is very simple, that there's a personal reason. So all of these 120, 110 Jawans who had sacrificed their lives for the motherland in 1962,
two were related to me. From my childhood, I've been hearing stories of the bravery. My father was in Air Force, and whenever I used to travel on holidays and go to my village in Haryana, which is mostly village near in the Rewari district. So women will sing geet, folk songs. About the bravery of our soldiers in Rizangla. And it used to fill my chest with a lot of pride, you know. And I used to think that this is a great battle, and I'm very proud of the fact that my relatives fought this battle. But when I was in school, in Chandigarh, I was studying with my children, so I talked to them, no one heard them. No thing. College, I went to Pune. My father got transferred there. I was studying in Parsi College, very good college called Nauru Jiwadia College. Very proud of it. There, I told many children who were my classmates. You know, Rizangla was like this in the past. मेरी भी लेटेस्ट गई थी, रिजांगला क्या होता है? तो मैंने चलो कोई बात नहीं, इतना बड़ा कंट्री नहीं बताऊंगा. उसके बाद मैं बिकेम एन ऑफिसर, आई वेंट टू नेवल ऑफिसर्स एकेडमी. वहां मैं जाके इतनी सारी नेवी की लाइब्रेरी में किताब देख रहा हूँ. 62 के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन रिजांगला के ऊपर एक आध पन्ना ही छोटा मोटा. तो मैंने फिर भी सोचा चलो कोई बात नहीं. बट जब जॉब मैंने 23 साल किया, मेरे को एक भी ऑफिसर नहीं मिला जिसको रिजांगला के बारे में ढंग से बताओ. Fought in 96 to very well there, and that's the end of it. They do not have a detail. When I say detail, I don't mean that they should know everything, but at least something that should fill, let's say, 2 or 3 pages for such a great medal. I didn't come across anybody. So I didn't do anything about it. I feel very guilty. But in 2014, when I left my job, by then I had written a few books, and then I was continuously writing more books. Two and a half years ago from now, one early morning, I thought, I must do something for the battle. So I called up my brother, who was in the army. He's a retired officer. So he said, yeah, it's a good idea. Then I spoke to my dad. My dad joined the Air Force in 1961. He knew some of the people. Knew in the sense, not directly, but he knew people who knew them. So my dad got very emotional and he said, you must write this book. And that gave me the fuel, my family members, everyone. And then I thought, let me write an authoritative and authentic book. It's going to be hard, I knew, because you see, this is a 7-hour battle. So to write a full-fledged book on a 7-hour battle is really hard. And I don't want to really, just bullshit. It should be all facts. Now, since I realized that there is not enough material for me to fill the book, so my current publisher is Penguin Random House Editions. It is not one of the largest companies in the world. So they had published my previous book. So I spoke to my editor and I said, this is the idea. And I want to fictionalize some part of it. You know, जो जवानों की कहानियां है वो मैं थोड़ा सा फिक्शनलाइज करना चाहता हूँ. गाँव में भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं. एंड शी सेड नो, डोंट फिक्शनलाइज इट, इट्स सच अ प्योर अकाउंट. यू राइट ओनली 100% स्टोरी. आई सेड 100% स्टोरी, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ मटेरियल. शी सेड यू स्टार्ट वर्किंग एंड प्रॉब्ली यू विल गेट. एंड दैट गेव मी सम कॉन्फिडेंस. एंड देन आई डिसाइडेड, ओके, लेट मी राइट अ चैप्टर. सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज द फर्स्ट चैप्टर दैट आई रोट एज अ प्रपोजल टू द पब्लिशिंग कंपनी. इट्स अबाउट 5,000 वर्ड्स एंड इट इज अबाउट Lieutenant Colonel Dhingra, who's a commanding officer, right. And then he gets a notice at Baramula that the troops have to, his battalion has to shift to Leh overnight, right, be prepared for a battle against China. So what really happens in that battalion? Would you mind reading the a couple of lines from here? Yeah, sure, why not? At the battalion headquarters of 13 Kumau in Baramula, Lieutenant Colonel H.S. Dhingra was staring at the decrypted message he had just received. The orders had finally come to move immediately to the border. As the CO of the battalion, Lieutenant Colonel H.S. Dhingra had the command of over 800 soldiers. The time was 5 in the evening, and the pleasant temperature of around 15 degrees Celsius outside had started to dip. We are talking about Baramula. Right. Baramula in September. In October, beg your pardon. The CO was known to be a hard taskmaster. He was a Sikh officer of medium height and build, but his most striking feature was his upturned, gravity-defying moustaches, yes, that stayed vertical at all times of the day. He glanced up at the radio operator who had brought the signal, and after dismissing him with a nod, he reached out to the telephone. The radio operator briskly moved to the door, turned, gave him a crisp salute and shouted, "Jai Hind!" And that's how it goes. So it's amazing. Saklani, Captain Diri Saklani, who was the adjutant of this company, of this battalion, was the last officer to speak to Major Shaitan Singh on the night of 17th of October.
November. November 1962, and they had a laugh. Yeah. There's a joke about why they laughed, which is there in the book, which I'm not going to tell now. All right. Captain D.D. Saklani rose to become, he survived the war, he rose to become a lieutenant general. Right. And he passed away a few years back. I very consider myself unfortunate that by the time I decided to write this book, many of such people had passed on. You know, were there any nights that you know, you were writing the story and you had an insight into the whole picture? And, you know, how many sleepless nights did you spend thinking about the situation in that region? Quite a few. In fact, mereko kai baar lagta tha subah subah, particularly early morning, you know, 4 o'clock, 5 o'clock. That was the time of attack. Yeah. Mereko lagta tha ki I've been, you know, somehow transported there. Aur main kai baar apne sawal ye poochta rehta tha ki kya mere pe aisi situation aayegi to kya main ye karunga. Aur mere paas iska answer nahi hai. Aur mereko lagta hai kisi bhi soldier ke paas iska answer nahi hota hai. You know, courage does not come from training. Courage comes from your soul, comes from your inside, you know. So these people, you know, kya hota hai, jaise my brother was telling me one day that, you know, aap trench mein khade hue ho dushman se ladai karne ke liye, aap, main aur mere saath mein ek banda khada hua hai, dono ke paas hamare gun hai, there is no enemy, we are just talking, right? And suddenly hum log baatein kar rahe hain, goa mein chutti jayenge, suddenly ek goli aati hai aur aapke friend ke sar ke beech mein se nikal ke chali jati hai, and he just falls there. What are you going to do in the next moment? You still can't see the enemy. So your training stops there. Training is still that point. And instinct kicks in. And thereafter it is your instinct, your DNA, your soul, your fighting spirit, your deshbhakti and what, why you are in the army. All that. Or zaruri nahi hai ki aap bahut hi disciplined soldier ho, tabhi aap achha karo. Ek bahut interesting example hai isme, Battle of Zangla mein. So there was one Nayak by the name of Ram Kumar Yadav. So Ram Kumar Yadav was the 3-inch mortar head. So 3-inch mortar, do thi hamare paas, usme 12 log the. And Nayak is not supposed to be the head of a 3-inch mortar. It is supposed to be Hawaldar. And he was Hawaldar before the battle. Okay. But kya hua? He got demoted. He got demoted because battalion commander ke paas mein, battalion CO ke paas mein power hoti hai. किसी जवान के रैंक को एक रैंक कर कम करने के लिए फॉर वट एवर रीजन. तो जितना मैं समझ पाया हूं, जो मैंने पढ़ा है, दैट वाज ड्यू टू कॉन्वॉय डिसिप्लिन. ही वाज डिमोटेड ड्यू टू कॉन्वॉय डिसिप्लिन. कॉन्वॉय डिसिप्लिन ये होता है कि कॉन्वॉय जो होती है 25-30 गाड़ियां साथ में चलती है, तो उसमें ही मस्ट बी इन चार्ज ऑफ समथिंग, जिससे कुछ छोटी मोटी गलती हो गई होगी, वट एवर, जिसकी वजह से उसको डिमोट कर दिया. बट मेजर शैतान सिंह ने उसको डिमोट करने के बाद भी 3-inch मोर्टार का हेड ही रखा, इंचार्ज रखा. और एक कॉन्वर्सेशन भी है उसकी, उनकी साथ में बोलते हैं कि तुमको पता है मैंने क्यों तुमको रखा है ऑफिस, यू नो, इन चार्ज ऑफ दिस 3-inch मोर्टार सेक्शन. सो ही सेड, सर, बिकॉज़ ऑफ माय एफिशिएंसी एंड माय वर्क. ही सेड यस. एंड इस बंदे ने प्रूव करके दिखाया, यू नो, राम कुमार सर्वाइव्ड द वॉर एंड गॉट वीर चक्र. ही हैड 9 बुलेट्स इन हिज बॉडी. His nose had got totally blasted off and everybody in his section had died. Jo uske section ke, he's standing and fighting, kismat dekho aap. It's just by chance that he's... To jab sab ek-ek-ek-ek-ek karke sab mar gaye, to he last tak fight karta raha. Kya hota hai 3-inch mortar mein na, ek minimum distance hota hai. Mortar is a trajectory bomb. Right. Mm-hmm. To jab dushman us trajectory se, matlab wo usse bhi aage aa gaya, to aap usko aise karke maare nahi sakte. So that time he had an option because last mein hota hai 3-inch mortar. उसके पीछे स्लोप होती है, स्लोप थी, तो ही कुड जस्ट रोल बैक. ही डिडंट रोल बैक इवन देन एंड स्टिल सर्वाइव. व्हाट ही डिड, प्लैटून 9 में सब लोग मर चुके थे या जो भी हो चुके थे, ही एंटर्ड प्लैटून 9 का बंकर. वहां जाके पूरे शरीर से ब्लड निकल रहा है, नाक तो जड़ से निकल चुका है, एंड वो वहां पे एक जवान जो मरा हुआ था उसका वेपन लेके ही जस्ट सैट डाउन एंड वेटेड कि अब सब तो मर चुके हैं, तो नाउ दे आर गोइंग टू कम द चाइनीज पीपल. So he kept on looking at the entrance. So after about 10 minutes, one Chinese head popped in. The moment it popped in, he straight away shot and killed him. Right? Now you see, he's in a bunker, he's going to die. What they did, jitne bhi bunker mein hole the na, unhone sab hole se grenade dal diye. Okay. So he, you know, he just sunk was it. There and but he survived that also. What happened was,
सारे शार्पनेल इधर उधर उड़ गए और उसके पूरे शरीर में मतलब वो पता नहीं किस किस पोजीशन में क्या कोई सम ऑब्स्ट्रक्शन के पीछे था वॉट एवर बी द रीजन बट ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस बिकॉज ही लॉस्ट ब्लड वगैरह तो अब वो पूरी आग लग गई पूरे बंकर में तो 3-4-5 मिनट बाद हिज बॉडी फेल्ट हीट दैट वोक हिम अप सो ही वोक अप एंड ही रियलाइज्ड दैट पूरे बंकर में आग लगी और चारों तरफ धुआं है सो ही फाउंड वन होल थ्रू दैट होल ही केम आउट and then he rolled down and he reached in that condition. Can you imagine, can you ever hear stories of this kind of courage? How about your experience? Aapne bhi kuch na kuch skirmish kahin na kahin, you have been through some wars, 99 mein you were working in. Yeah, Kargil ke time mein, see I commanded there. 3 ships. Right. So I retired as a commandant, so 23 years I served. And LTT ke against humne kaafi operations kiye the, Gulf of Mannar mein, Park Bay mein. We can just take a short extract of a particular, you know, any instance that you find, you know, particularly interesting for these. So, ek to interesting hai jo main students ko batata hu that, you know, when people say that, you know, you must know basics. So, like basic addition, subtraction to aana chahiye. Right. To aajkal bachche bolte hai, kya zarur hota hai? Apne paas to calculator hai, phone hai. What is the need, dad? Give me a break. So, लेकिन बेसिक्स जो होते हैं वो कभी ना कभी आपको काम में आते हैं जरूर लाइफ में और इसका मैंने एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं अपनी लाइफ का दे सकता हूँ बेसिक्स की वजह से मेरी लाइफ बची 1991 में इन गोवा दैट टाइम नेवल ऑफिसर्स एकेडमी वाज इन गोवा आई वाज देयर एज अ कैडेट एंड उसमें ना एस्ट्रो नेविगेशन पढ़ाते हैं अभी भी पढ़ाते हैं एस्ट्रो नेविगेशन मतलब फाइंडिंग आउट वेयर यू आर एट सी नॉट बाय लुकिंग एट द स्टार्स बट लुकिंग एट द स्टार्स एंड दैट्स अ एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ यू नो using a sextant and a part of astrology star. Yeah, I think and not no, it's not astrology it's proper science so and there are books so you will be able to find out your position. Fairly accurately let's about 100-150 yards accuracy sometimes even 50 yards accuracy depending on how well you have shot so it can be done with sun it can be done with moon it can be done with stars it's called astro navigation it's a completely different field and वहाँ पे भी सब ऑप्शन बोलते थे अरे एस्ट्रो नेविगेशन क्या जरूरत है एस्ट्रो नेविगेशन के हमारे पास तो उस समय सैटनेव होता था सैटेलाइट नेविगेटर दैट इज टू गिव 25 यार्ड्स एक्यूरेसी बाद में जीपीएस आ गया अभी डीजीपीएस आ गया सो थिंग्स हैव चेंज्ड तो फिर भी खैर मैं पढ़ लिया था वहाँ पे थोड़ा बहुत कभी सुनता था कभी नहीं सुनता था वाज लाइक ठीक है देखते हैं तो उसमें स्टार आइडेंटिफाई करना बताते हैं कि व्हिच इज द उर्सा मेजर उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन राइट वेयर इज द बोल स्टार एंड वेयर आर द स्टार्स सो मेरे को कुछ चीजें याद थी तो एक बार क्या हुआ 1993 में 2 years into the service I was still an under training officer तो एक शिप में हम लोग पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके मतलब बॉर्डर क्रॉस नहीं करके मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर को तो क्रॉस नहीं कर सकते बट इनसाइड द बॉर्डर अलोंग द बॉर्डर वी वर पेट्रोलिंग एंड वी फाउंड अ पाकिस्तानी बोट सो आई वाज अ यंग ऑफिसर एंड नॉर्मली क्या होता है यू सेंड योर पीपल यू नो फ्रॉम द शिप समथिंग नोन एज बोर्डिंग पार्टी मींस वन ऑफिसर 4 जवान अ स्मॉल यूनिट विच विल गो इन अ स्मॉल डिंगी and will go to that boat with weapons and all and basically control that boat. So, go inside le jaake, yeah, clarify the situation. And do rummaging and see what all is there. So, I was sent and I found that there were 7-8 Pakistanis and I said, why are you half our voters, Indian voters? They could not give any satisfactory answers. So, we thought we will give them to Gujarat police. So, we apprehended them with the power vested in us because they are in our voters without any passport, without any legal information. So, humne usme se 8 थे शायद तो हमने 5 को हम अपने शिप में मैंने भेज दिया बोट में और बाकी 3 को हमने बांध के वहां पे मतलब रख लिया एंड क्योंकि अभी बोट चला के लेके जानी है ना इंडिया तक तो अब हमको तो चलाने नहीं आती उनके इक्विपमेंट को सो उनका बंदा रहेगा तो और बाकी मेरे साथ 5-6 बंदे थे तो अभी क्या हुआ अचानक मेरे शिप में जो कमांडिंग ऑफिसर था उनको पता चला कि वहां से 40-50 किलोमीटर दूर और एक कोई इंडियन बॉर्डर्स में एक और बोट है सस्पिशियस बोट सो दे वांटेड टू गो देयर सो दे टोल्ड मी दैट यू स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स इंडिया विल गो दैट साइड This was around sunset time, और बाद में अंधेरा हो गया अब अंधेरा हो गया तो मैंने उस बंदे से पूछा कि अब अंधेरे में तो एक्चुअली सी में जो अंधेरा होता है ना वो एक बड़ा ही अलग लेवल का अंधेरा होता है वो रियल अंधेरा होता है actually, वहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ स्टार्स इतनी बुरी तरह शाइन करते हैं आपने वो मूवीज वगैरह में देखा होगा इट्स लाइक इट्स क्रेजी इट्स अनरियल इट्स ब्यूटीफुल ब्लैक वाटर ब्लैक स्काई एंड द स्टार्स एंड नथिंग इज विजिबल एनीवेयर सो अब बोट में हम लोग हैं तो अब मैं लॉस्ट हो गया कि भाई इंडिया है किस तरफ Because you lose sense of direction, yeah, कोई reference point नहीं है ना तो आप यहाँ जा रहे हो तो अभी आपको पता भी चल रहा है आग झपकी और जहाज की डायरेक्शन चेंज हो गई There is no reference point where you're going. So ऐसे चलते चलते
वो बंदा बोल रहा है सर सर हम सही जा रहे हैं सही जा रहे हैं, यू नो इंडिया पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यू नो वी वर क्लोज टू द लैंड एरिया, सो वहां से कुछ 40-50 किलोमीटर दूरी होगा कराची हार्बर, सो इट वॉज लाइक टाइम मतलब एक घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बोट डज अबाउट 8 knots, दैट्स अबाउट 12 किलोमीटर पर आवर, तो 3-3.5 घंटे में अगर आप गलत डायरेक्शन में जाओगे तो पहुंच जाओगे आप कराची, वहां पहुंच गए तो उनके बंदे पकड़ लेंगे, तो खैर मैं उसके बंदे पे भरोसा, यू नो ऐसे आप तो ठीक चला रहा ना आज सारा सी, तो वो भी जो मुल्तानी मुल्तानी सिंधी लैंग्वेज में चंगा चंगा सही जा रहे सही जा रहे बोले सही जा रहे, फिर अब जवानों को भी पता नहीं, अब मैंने बोला ये तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे तेरे पास, तेरे को पता होना चाहिए, देन आई रियलाइज दैट आई नो हाउ टू आइडेंटिफाई पोल स्टार, आई रिमेंबर्ड पोल स्टार को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है, पोल स्टार कोरेस्पॉन्ड्स टू द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, सो तकरीबन एंड इट इज वेरी ब्राइट, एंड ये अभी मैं भूल गया कौन सा उर्सा मेजर या उर्सा माइनर, उर्सा एक 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 को एक्सटेंड करो तो एक कोइंसाइड्स विद द स्पून के दोनों एजेस को आप एक्सटेंड करके कोइंसाइड पे कोइंसाइड करो तो दैट इज द पोल स्टार, राइट, सो आई वाज एबल टू आइडेंटिफाई द पोल स्टार, द मोमेंट यू नो पोल स्टार यू नो दिस इज नॉर्थ, एंड आई सेड ओ माय गॉड इफ दिस इज नॉर्थ एंड देन दैट मींस दिस इज ईस्ट दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट, एंड हम इस साइड आ रहे हैं वेस्ट और नॉर्थ के बीच, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज बैंक टुवर्ड्स कराची, आई सेड ही इज टेकिंग मी टू द रॉन्ग डायरेक्शन, then I had to ask him to change the direction, he realized that I've understood, then we changed the direction and come, so abo ship ne mere ko uske 5-6 ghante baad pick kiya, all right, to agar wo ship wo unko uske baad ek aur boat mil gayi, so agar wo mere ko pick up nahi karte to baad mein agar main enemy nation mein chale jata to fir wo abhi I don't know kitne saal tak wo log pakad ke rakh lete, to basic information jo hoti hai, basic knowledge jo cheezon ki hoti hai wo bahut zaruri hai, this is just a life saving thing, I really thank my instructors at naval officers who taught us astro navigation and forced us to understand and punished us when we slept or because bahut ragda hota tha log thak jate the class mein, but they still forced us to keep our eyes and ears open and taught us this, and this helped me, this one response. You are moving into the entertainment arena now, that's fantastic, you have acted, you have directed, you have produced, so bataiye thoda sa, you know, what's going on with the entertainment sector, you know, what's up with that? Yeah, so I've done all these three things, as you said, the direction, production and acting. So let me start with acting. That was an accident. So it so happened that me and my partner, I've got a ex-officer who's a partner and a friend of mine, he lives in Bombay and even Delhi. We decided to make some movies, short films on my scripts, which he liked and I liked. So we zeroed on Lonavala as our location. Shoot location, we had no idea how to shoot a film. थोड़ा बहुत YouTube वगैरह से देख के सीख साख के हम लोग ने एक 17 लोगों की टीम बनाई फिल्म यूनिट, और उसके साथ हमने लेस किया कि पैसे इतने नहीं लगेंगे, बट हम जब जाके वापस आए तो हमारे सारे बाल उखड़ गए, इतने पैसे लगते हैं, बट हम लोग वहाँ पे गए और हम वहाँ पे तीन पिक्चर बनाने वाले थे और तीन पिक्चर के बाद एक दिन बच गया एक्स्ट्रा, एंड वी हैड होटल्स एंड वी हैड इक्विपमेंट, वी हैड एवरीथिंग, सो मैंने एक स्टोरी नरेट की थी अपने फ्रेंड को, इस टाइम पे आप राइटर का रोल प्ले कर रहे थे? नो नो, सो मैंने नहीं, ये जो मैंने तीन फिल्म हमने शूट की उसमें से सॉरी दो फिल्म शूट की हमने, एक फिल्म को मैंने डायरेक्ट किया, वो मेरी स्क्रिप्ट थी, उसमें मैंने एक्ट नहीं किया, एक फिल्म को जो मेरी लिखी हुई थी उसको मेरे फ्रेंड ने डायरेक्ट किया, उसमें भी मैंने एक्ट नहीं किया, लेकिन तीसरी फिल्म का हमको लग रहा था टाइम नहीं होगा, बट तीसरी फिल्म का टाइम निकल गया, और तीसरी फिल्म हम सोच रहे थे बड़े एक्टर्स को लेके बनाएंगे, तो मैंने एक उसको नरेट की थी एक बार कि एक अगर ऐसी स्टोरी बनाएंगे बड़े स्टार्स के लिए कैसी रहेगी, तो उसने बोला था बहुत अच्छी रहेगी, तो उसने मेरे को बोला, वो मेरे से जूनियर ऑफिसर है सर्विस में, तो उसने बोला सर एक ना एक दिन एक्स्ट्रा हमारे पास बच रहा है तो हम ये वाली पिक्चर बना रहे, तो मैंने ये वाली पिक्चर लेकिन एक्टर्स कहाँ है, तो बोला एक्टर्स मैं और आप तो हैं, तो मैंने बोला अरे यार मैं तो देखो ये दो बड़े स्टार्स बोले थे, बोला अरे सर हम कौन से स्टार्स से काम है, तो माई फ्रेंड इज ऑफकोर्स अ वेरी टैलेंटेड गाय, कैन सिंग वेरी वेल, कैन एक्ट वेरी वेल, आई सेड सी यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आई एम जस्ट अ राइटर, यू नो एंड आई कैन सपोर्ट यू बाय प्रोडक्शंस स्पेंडिंग मनी एटसेट्रा बी प्रेजेंट, बट आई एम नॉट एन एक्टर, सो ही सेड नहीं 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 एक्टिंग करेगा, अब उसमें क्या था, उस स्टोरी में दो कैरेक्टर थे, एक उसमें भिखारी था और एक उसमें रईस हराम ज्यादा था, तो अब मैंने बोला यार भिखारी की नौकरी करने के लिए मेरा दोस्त मेरे को ना बोलते, तो उसने मेरे को खुद ही बोल दिया भिखारी की नौकरी मैं करूंगा, तो कमाल की बात है भिखारी का एक ही डायलॉग है पूरे 13-12 मिनट की फिल्म, सारे डायलॉग मेरे, तो मैंने बोला यार ये तो, बोला सर आप बहुत अच्छा करोगे, एंड माय फ्रेंड इज यू मस्ट वॉच दैट मूवी, इट इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड एंड द मैडमैन, इट इज नॉट डन वेरी वेल ऑन सोशल मीडिया, आई विल बी फ्रैंक, इट इज जस्ट नॉट डन, यू कैन फाइंड इट ऑन YouTube, यू कैन फाइंड इट ऑन YouTube, इट इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड एंड द मैडमैन,
So I'm the Madman is the partner of mine, Partner. and Graveyard is the location. I've just now realized मेरा नाम ही नहीं टाइटल में. So I was like, anyway, I'm a rich guy. So But you were the supporting actor. yeah, so no, I'm the protagonist. Both of us are protagonists Oh, actually. you But are. half the movie you will think I'm the protagonist, which is nाइस. So मैंने डायलॉग्स वाले बोले और मेरे को लगा कि बड़ा बहुत ही बकवास जा रहा है. तो मैंने बीच में बोला कि शूटिंग बंद कर देते हैं, चलो घर चलते हैं. बोला अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमारी सारी यूनिट ने बोला क्या हो गया. मैंने बोला ये तो अच्छा नहीं जा रहा. बोला क्या बात कर रहे हो, इट इज गोइंग वेरी वेल. सो मैं बोला ठीक है. एक पारसी जेंटलमैन है जिनका हमने पूरा लोकेशन हायर किया था दिलजान भाटिया करके, तो उनको भी लगा ये लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने भी आके हमारी हेल्प की. ही ऑल्सो बिकेम अ डायरेक्टर एंड ही डायरेक्टेड इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द थिएटर. इफ यू सी इट्स ब्यूटीफुल, इट्स रियली कम आउट वेल. तो खैर मैंने इनके भरोसे पे पूरी पिक्चर खत्म कर दी. मेरे को लगा यार ये तो खत्म हो जाएगी, नहीं आ पाएगी. जब एडिट की मेरे पार्टनर ने, एडिट करवाई प्रोफेशनल से, म्यूजिक म्यूजिक डाला, फोटो डाला, उसके बाद जब भेजा तो मैंने बोला आई वाज स्टन्ड. इट इज एक्चुअली ब्रिलियंट. आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट डन वेल. एनीवे कमिंग टू द मूवी दैट आई डायरेक्टेड, इट्स अ रिलेशनशिप स्टोरी. इट वाज रिलीज्ड ऑन 8th February दिस ईयर. ऑन फेसबुक इट हैज ऑलरेडी गार्नर्ड 48.5 मिलियन व्यूज. A relationship story. A relationship story. The name of the story, name of the film is, it's a 12-minute or 13-minute film, 13-minute. It is called There is a Stranger in My Bedroom. So, when did you understand this side of yours? You know, being in commanded in the Navy has a totally different spectrum when you have an entire ship, a fleet of people, and you know, it's a very realistic experience that you cannot redo or give another take off. And now एंटरटेनमेंट इज समथिंग, मूवीज देख के तो हम लोग सब आर वेरी फैसिनेटेड, हर कोई करना चाहता है, बट यू स्टार्टेड विद बुक राइटिंग, दैट्स समथिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड. मतलब हाउ डिड दैट कम अबाउट? वाज दैट यू ऑलवेज एस्पायर टू राइट सम स्टफ और डिड दैट जस्ट क्लिक? बस वो बुक्स पढ़ता रहता था, बट आई नेवर थॉट ऑफ राइटिंग एनी स्टोरी एवर. आई नेवर समटाइम्स राइट रैंडम नोट्स अबाउट माय ऑब्जर्वेशन देयर एंड देयर, सम बुलशिट काइंड ऑफ पोएट्री व्हिच आई थिंक वाज वेरी बैड. बट देन आई जॉइंड दी सर्विसेज एंड देयर वाज ट्रेनिंग इन द बिगनिंग एंड दैट काइंड ऑफ टुक मी अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बुक्स दैट लिटरेचर. मच. And then I got married, and I used to tell my wife all the time that I'm someone who loves books. And, you know, for almost 8 to 10 years, she saw me picking books and reading a few pages and setting them aside, but always buying books. And she used to end up reading them. And she said, तो ऐसे झूठ बोलते रहते हो, कब पढ़ते थे बुक? मैं पढ़ता था यार, आजकल को मन ही नहीं करता. तो यंग ऑफिसर में भी मैंने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी नहीं, बट मन में हमेशा रहा कि मेरे को किताब पढ़नी चाहिए, मेरे को किताब अच्छा लगता है पढ़ना. और कोई कोई मैं कंप्लीट भी कर लेता था, पर्टिकुलरली सेलिंग्स में ज्यादा. लेकिन वो धीरे धीरे बदलने लगा. एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स, इवन व्हेन आई बिकेम अ मिड लेवल ऑफिसर और अ सीनियर ऑफिसर, देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग मोर टाइम एंड स्टार्टेड रीडिंग मोर बुक्स. एंड देन व्हेन आई वाज पोस्टेड इन हल्दिया इन वेस्ट बंगाल इन 2006, आई रोट माय फर्स्ट बुक. इट वाज अ वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस एफर्ट ऑन माय पार्ट दैट आई स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम हावड़ा रेलवे स्टेशन, वेयर माय ट्रेन वाज 10 आवर्स लेट. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. सो मैं बस स्टोरी लिखना शुरू कर दिया. मैंने नहीं आधी नॉवल तो आधी तो नहीं, मतलब 25% लिख दी होगी. उसके बाद मैं स्टोरी को वापस आ गया, दिया मैं कंप्लीट किया. देन आई शोड टू माय वाइफ, शी वाज वेरी फैसिनेटेड बाय माय स्टोरी टेलिंग. एंड अभी तो ये कंडीशन हो गई कि आई हैव रिटन सो मेनी पब्लिश्ड बुक्स एंड सो मेनी नॉन पब्लिश्ड बुक्स एंड सो मेनी स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज प्रॉब्ली मोर देन 200, कि आजकल मैं अपनी वाइफ को बोलता है मेरी स्टोरी पढ़ोगे, शी लुक्स एट मी एंड सेज आज कैन यू रीड सम ऑफ द टाइम. सो आई सेड ओके लीव इट. सो लेकिन उस समय बात अलग थी. वाइफ वाज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई हैड रिटन अ बुक एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड एंड शी सेड मैं पढ़ती हूं एंड शी रेड इट एंड शी सेड बहुत अच्छी. सो वी सेंड इट आउट टू पब्लिशर्स. फॉर्चूनेटली वी फाउंड अ स्मॉल पब्लिशर हु पब्लिश्ड इट एंड दैट इज हाउ माय लिटरेरी जर्नी स्टार्टेड इन 2006. लेकिन उसके बाद मैंने एक किताब लिखी और, जिसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे छोटे पब्लिशर ने भी नहीं किया. फिर मैंने 2 साल बाद एक और किताब लिखी. किताब लिखने 1 साल जाता है, उसको भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको भी किसी ने पब्लिश नहीं किया. फिर मैं 2-3 साल तक उदास हो गया. तो ये सब करते करते 2006 से 2011 आ गया. देन आई रोट माई सेकेंड बुक इन 2011 विच केम आउट इन 2012 बाई अगेन अ स्मॉल पब्लिशर. देन आई रोट अ बुक इन 2013 अगेन बाई अ स्मॉल पब्लिशर, इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. देन आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक विद एन एजेंट इन दिल्ली, एजेंट्स हु रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ऑफ द राइटर्स इन इंडिया, एंड दे गॉट मी अ
slightly decent publisher, but again a small publisher. So my journey has been very tough in publishing. What kind of stories were these? Love stories, thriller stories? Thrillers. All of them were thrillers. One was collection of short stories. 2000 and when did this happen? I think 2016, yeah. 2016 was the year when I got my major break in publishing. When my novel called Murder in Paarganj was published by Bloomsbury. Now, Bloomsbury is a very big publisher. So they published my book, and that book in 2018 got me the Best Fiction Writer Award, a cash prize of 1 lakh rupee. But its check is table se bhi bada tha. Wow. State se bula. So, that was 1 lakh 2,000 rupees actually. Yeah. 2,000 ka wo check bana hai. So usse mere ko thoda sa aur validation mila. Fir maine ek romance novel likha maine apne aap ko challenge karke, because usse pehle maine romance likha tha. That was published by Rupa. That is called The Last Love Letter. And that was a challenge that I had set for myself, because मेरे को लगा कि मैं romance novel कभी नहीं लिख पाऊँगा. So मैंने अपनी wife को बोला मैं romance novel लिखना चाहता हूँ. तो she said मत लिखो. I said क्यों? बोला romance novel लिखने के लिए तो romance आना चाहिए. तो मैंने बोला अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर लिखूँगा. वही तो fiction है. दुनिया का best novel. वही तो fiction है. हाँ सबसे best novel लिखूँगा मैं दुनिया का romance novel. So but मेरे को ना उम्मीद नहीं थी, because मैं thriller लिखता था, thriller में एक hero होता है, villain होता है, protagonist antagonist. यार ऐसा नॉवल कैसे लिखोगे जिसमें कोई विलन ही नहीं होगा? रोमांस नॉवल जो होते हैं उसमें विलन ही नहीं होता, तो कैसे लिखोगे? फैमिली ड्रामा, कपल ड्रामा, सोसाइटल ड्रामा. तो एवरीबॉडी इज राइट इन देयर ओन वे. तो मैं बोला एक शॉर्ट स्टोरी लिख लेते हैं. तो मैंने शॉर्ट स्टोरी के जैसे शुरू किया लास्ट लव लेटर. इट इज इट स्टार्ट्स विद द वाइफ हु इज डाइंग एंड शी राइट्स शी इज राइटिंग मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूं इमोशनल लेटर टू हर हस्बैंड बिफोर हर डेथ. तो वो मैं इतना इमोशनल हो गया उस लेटर को लिखते लिखते, जैसे मैं अभी हो रहा हूँ, कि मेरे को लगा कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ क्या, आगे इस बंदे के साथ क्या होगा. तो उस बंदे के साथ क्या होगा, छोटा सा बच्चा है, उसकी बीवी मर गई है, तो उसके साथ क्या होगा. वो करते 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 बढ़ाते 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 इट बिकेम अ फुल फ्लेज्ड नॉवल. एंड व्हेन आई फिनिश्ड इट टुडे, इफ यू सी ऑन Amazon, दैट्स माय हाईएस्ट रेटेड बुक. इट हैज बीन रेटेड द बेस्ट आई थिंक. लेट्स सी व्हाट रिजांगला डज. दिस इज गोना सरपास ऑल ऑफ देम. Hopefully, I think so. I'm 500% sure of this. I'm glad your novel made it towards bestsellers. ये किताब केवल देशभक्ति की नहीं है. इस किताब से हम सीख सकते हैं कि against all odds, ज़िंदगी में हम फिर भी अपने टारगेट को कैसे accomplish कर सकते हैं. चाहे वो टारगेट हमारा बिजनेस का हो, स्टार्टअप्स का हो, या आपके जॉब का हो, या आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस हो. Emotional challenges, social challenges, team challenges, everything can be, you know, you can learn all that from this book. Absolutely. Or challenges in and even if you lose, there is a win in that. You know, there is always a silver lining in any of your loss or jo eventually aage, which will benefit, you know, even in a major way to you. So it's a life lesson, I would say, not just a book. But you got to get together with Sushant Rajput, you know, the host of Southern India. No, and he wrote a true crime story. Yeah, not Sushant Singh Rajput. Some people get confused. Sushant Singh. Yeah, this is Sushant Singh. He's the host of Southern India. Yeah, I meant the handlebar moustache guy, not the one who passed away. Yeah. But the handlebar moustache, you know, the host of Southern India. Yeah. So, मतलब वो तो है ही, मतलब he has been very close with that arena. How did you get stuck with that? This was done by my agent. So मेरे agent को लगा कि मेरे को और उनको you know मेरा writing skill है, उनका knowledge है, तो हम दोनों को team up करना चाहिए. That's how he put both of us together. And I was very skeptical, because you know jointly writing a book is always a challenge. But Sushant is a nice person. He's very kind. He's very friendly. He's very accommodative. And these are women crimes that you have got. Yeah. So, जब हमने फिर पहले तो फैसला किया कि हम साथ में लिखेंगे. और Penguin was on board already because both of us were writing. And both of us have got name in our respective fields. So, Penguin was in. So, we had a publisher. We had a team. We also had a genre that is crime thriller. So, हमने सोचा कुछ अलग करते हैं. So, women crime के बारे में हमने थोड़ा research करना शुरू किया, तो realize किया कि बहुत कम women criminals हैं. बट जो है वो बड़े खतरनाक है. तो हमने हमने आपस में डिसाइड किया कि हम विमेन क्रिमिनल पे किताबें लिखते. तो हमने 20 स्टोरी सेलेक्ट की, फिर उसमें से फाइनली हमने 10 फाइनलाइज की, और 10 स्टोरीज पे हमने
ये विंग्स ऑफ टाइम लिखा जो बहुत ही अच्छा किया, जिसने मार्केट में रिव्यूज हैव बीन फैंटास्टिक, द सेल्स हैव बीन गुड, इट हैज बीन अ बेस्ट सेलर अगेन, इट हैज ऑलरेडी बीन एक्वायर्ड बाय अ प्रोडक्शन कंपनी. I'm waiting for a story already, you know, a quick short story in that book that you feel very fascinated with. मैं तो सबको ही बोलता हूँ, मैं और सुशांत दोनों बोलते हैं कि इस किताब को आप रात को मत पढ़ना क्योंकि आपको, क्योंकि Really? आपको बहुत डर लगेगा. शादी के बाद मत पढ़ना. और नहीं, शादी के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ना, और गर्लफ्रेंड अगर आपकी हो तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा कि भाई लेडी लेडीज जो है, विमेन जो है, वो किस हद तक जा सकते हैं इफ दे वांट टू यू नो डू समथिंग. मतलब बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट क्राइम इज जेंडर न्यूट्रल. दो तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, एक तो प्लान्ड क्रिमिनल्स होते हैं जो प्लान करके क्राइम करते हैं, और कुछ होते हैं जो यू नो हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है. तो इसमें कई क्रिमिनल्स जो है वो प्लान्ड क्रिमिनल्स थे, सो दे हैड अ क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड एंड दे वर इविल पीपल, यू नो, एंड दिस अ वेरी डिस्टर्बिंग स्टोरी. सो आई डोंट नो इफ यू वांट मी टू टेल इन ब्रीफ. सो एनीथिंग व्हिच फील्स लीस्ट डिस्टर्बिंग इन द सेंस ऑफ दिस, देयर इज नो स्टोरी व्हिच इज इट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग डिस्टर्बिंग स्टोरीज. आई कैन जस्ट टॉक अबाउट दिस वुमन, वी विल नॉट टेक रियल नेम्स फ्रॉम जयपुर. ओके. This young girl was about 26, 27 year old. She was a call girl, though she used to think that she is not a call girl. She used to think that मैं society में जो शादीशुदा लोग call girls ढूंढते हैं, उनके पैसे चुरा के मैं society का उद्धार कर रही हूँ. Okay. So she had put very. That's an interesting notion and an escape thought for yourself. उसको expensive चीजों का बड़ा शौक था, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो वो उसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई थी, उसमें अच्छी अच्छी फोटोज फोटोग्राफ्स डाली हुई थी. तो शी टू पुट दैट ट्रैप फॉर व्हाटएवर एज मेन हु वर लुकिंग फॉर यंग हंटर्स सेक्स इन जयपुर बाय पेइंग मनी. शी टेल देम 20,000 रुपीस एंड शी टू कॉल देम एट अ 5-star होटल. एंड वो पहले पैसे ले लेती थी कि मैं अपनी ड्राइवर को देकर आती हूँ, तो वहां से भाग गया और कोई बंदा उसको पकड़ नहीं पाता था. लेकिन एक बंदा उसके पीछे पीछे भागा, और पीछे पीछे भाग के उसके पुलिस उसको पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन पे ले गया. तो पुलिस में भी हमारे यहाँ पे लेडीज को गलत नहीं समझा जाता था. पुलिस ने भी कुछ किया नहीं, उसको छोड़ दिया. सो दैट वाज, सो शी कंटिन्यूड विद हर क्राइम एंड शी सेज आई नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल शी इंप्लॉयड लाइक दिस. एंड एक बार क्या हुआ, शी हैड अ बॉयफ्रेंड जो बॉम्बे से फेल्ड एक्टर था, वो उसके साथ रह रहा था. 1.5 लाख रुपए का किराया पे घर ले रखा है लोगों ने बॉम्बे में, जयपुर में रह रहे हैं. उस बंदे पे 10-12 लाख रुपए उधार था. तो इसने क्या किया, इसने उस ड्रग्स वगैरह ले रखे थे इन लोगों ने, लड़का लड़की ने, उस लड़के ने एक दोस्त को बुला लिया. और ये जो लड़का था, ये अपने आप को कोई पंजाबी बंदा बोलता था, दिल्ली का, वेरी रिच का, बट एक्चुअली ही वाज फ्रॉम जयपुर, हर क्लाइंट. एंड शी थॉट दैट हिज नेम इज सो एंड सो, एंड शी थॉट मैं इसको बुलाती हूँ, अपीयर्स टू बी रिच गाय, वी विल टेक फोटोग्राफ्स एंड मेक वीडियो एंड देन वी विल ब्लैकमेल हिम एंड टेक 10 लाख रुपीज. सो शी कॉल्ड हिम टू हर हाउस एंड ही इज ऑलरेडी, ही हैड ऑलरेडी गॉन वंस और ट्वाइस एंड ही वाज अ मैरिड गाय with a small kid. That's why I don't want to take names. He said goodbye to his child and wife and father, but he was going for this woman. And he stopped and bought condoms and he stopped this, bought whiskey, and he was a teetotaler. But he bought whiskey for the girl and he went there. But she had her friends, so she attacked him and they tied him up. And then they said, "Theek hai, you give us money and we'll leave you." So he said, "I've got no money. I'm a broke guy, mere paas 1 lakh rupees bhi nahi hai." So then they got wild and they were already high on drugs. So they started searching his pocket. They realized that iska to naam wohi nahi hai. And then they realized it is married and he's got a wife and this bastard is here. You know, so all that added to the fury of these people and they strangulated him and they killed him. And then they threw the body and but the police caught them, caught this girl and these two boys. And उसके बाद पुलिस ने इस लड़की से पूछा, तो वो एक इंटरव्यू है, बहुत चिलिंग इंटरव्यू है उस लड़की का. मतलब शी डजंट कंसीडर हरसेल्फ टू बी अ फॉल्ट. शी सेड, मेरे को पकड़ लिया, अब सोशल सर्विस कौन करेगा? ये जो शादीशुदा मर्द दूसरी औरतों से मजे करने के लिए घूमते रहते हैं, इनको कौन पकड़ेगा? एंड शी डजंट क्राइम्स लाइक, एक बार वो पकड़ी गई थी, ये जो एटीएम की वेल्डिंग मशीन, एटीएम की जो मशीन है, एक वेल्डर को लेके रात को उसको काट के, नहीं काट लिया था, भाग रही थी. तो this is about 3 or 4 years old case. I'm not really followed it, so I don't know what the situation is now. But these people were caught by the police, and these are the stories that came out in media and interviews, etc. So we thought this is an interesting case. We completed the research, and
then we wrote the story. Similar disturbing stories are there, 9 more. Anybody interested can read it. I'm currently writing a book about positive police stories of police solving cases. I'm writing a book for HarperCollins. It's called Dial 100. And there are 10 stories in that. I've completed 3. No, 4. 4 and a half. So I think about another month I should be ready, and it should be coming out mid of next year. After which probably I'll write another war book. Okay. So right now, something in for positive police image that you have taken up responsibility. People generally have this impression that all policemen are corrupt and all policemen are not worthy to be called policemen. But that is not the truth, because I've had some good experiences, and I think whomsoever has spoken, they've all have had good experiences. And we often neglect the fact that policemen paid very less. And we also neglect the fact that the police to population ratio is the worst in India. That police being paid less was a fact around 10 or 15 years ago. Right now, the pay scale has very much changed things have improved. It is improved a little bit, but not that much. Not commensurate to the work that they do, the risk that they take. Mm-hmm. Also, the long hours that they have to put in. You know, it's very common for a policeman to work for 12-hour shift. Now, 12 hours is inhuman, because even the international regulation says that you have to work 8 hours out of 24 hours, right? So, working hours, salary, working conditions, risk. And on top of that, the public is convinced that you're not okay. Mm-hmm. But despite all this, you will find some cases in which the policemen have gone out of their way to solve cases by using intelligence, by using resourcefulness, and going completely out of their comfort zone and out of their responsibility and duty, and still solving it. You know, so those stories. I was researching and I came across 10 brilliant stories of people who gone really out of their way to solve the crimes. जो अगर वो नहीं करते तो कुछ नहीं होता. अपना छोटा मोटा काम करके ठीक है नहीं. But they took it as a personal challenge and then they use their mind, and they use sometimes technology also in some of the stories. And they were able to crack the case and get the guy arrested and convicted. Right. So I thought this will be a tribute to those policemen who actually served well. And I know quite a few of them who are actually very family with me. So it will be unfair for us to say that 100% police is corrupt. No, I would say that 10% to 15% is corrupt. But about 85 to 90% is generally good. Out of this, about 20-30% are really efficient. And I know quite a few of them. And some of them, when they tell the stories, they are really amazing, amazing stories. So I think nation owes a lot to its security forces, not just army and BSF, CRP, Navy, etc., but also to intelligence and also to the police. So what's the title of the book? It's called Dial 100, 10 seemingly impossible cases cracked by the police. Ladies and gentlemen, don't forget to grab your copy. Yeah, we might change the name, sorry, because Look out for Gurpreet Yadav. New book. Whatever the new book by the author Gurpreet Yadav is there, you know, go out and read. But the current focus is this, because that'll come. But this is what we are talking about today: the Battle of Rizangla. It's one of the most captivating stories that I have ever come across, and you know, Indian war ke baare mein jo hum haar gaye the. But this book is a silver lining in all throughout that moronic war. But so I would recommend everybody to go out and buy it. And thank you so much, Gurpreet ji, for coming on for the show. You know, the conversation jo hum record kiya, I'm really excited to publish it right away as soon as possible, and see how much people enjoy it. Thank you. It was a pleasure. Stay safe, subscribe to the channel, don't miss out the episode. Gurpreet Yadav on the show, and thank you so much, everybody. Thank you. Bye-bye.